वोटर कार्ड समेत कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। युवक कई दिनों से एक हॉस्टल में निजी स्कूल का छात्र बताकर रह रहा था, लेकिन सर मैं एक पासपोर्ट कंसल्टेंसी ऑफिस में काम करता हूँ, जो लोगों को फॉरेन में जॉब दिलाते हैं, दुबई, सऊदी, कतर, जहाँ की रिक्वायरमेंट होती है कंपनियों में। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कुछ चोरों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने एक मंदिर में चोरी की योजना, लेकिन पहले तो चोर हो गए, लेकिन चोरों की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। उत्तराखंड के था, लेकिन लोगों ने चोर को देख लिया। बस फिर क्या था, लोगों ने जमकर अपना गुस्सा चोर पर निकाल दिया और उसे इस कदर पीटा कि वो बेहोश हो गया। जबकि चोर के मौके से कर रही है। पेचकस वगैरह ये सब औजार मिले हैं, तो पड़ोसी वगैरह ने तब तक उनको पीट पाट के इधर यहाँ पुलिस थाने में लाया और मेरे को इन्फॉर्म करा कि भाई आपका ताला टूट गया। तो मैं उस घर में उस समय ना मेरी फैमिली का कोई मेम्बर था, भी नहीं था, तो किसी को भी लोगों को छोड़ के जो एक्सटर्नल होते हैं जैसे सफाई वाले या फिर इन लोगों को पता था, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है कि किसी ने जो बाहर का कोई आया होगा। उत्तराखंड की राजधानी ट्रैफिक हो रहा है, पर वाहनों को तेजी से भगाते हैं, जिसकी वजह से शहर में आए दिन दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। इन बढ़ती दुर्घटनाओं को रोक पाने में परिवहन विभाग विफल साबित हो रहा है। ऐसे में को कर दिए एक टीम होती है एयरटेल स्क्वाड की, तो वो लोग अपना काम करते हैं। हम लोग को रेवेन्यू भी क्या कलेक्शन करना पड़ता है, गाड़ियां जो है परमिट वाली गाड़ियां हैं वो परमिट शर्तों के अधीन चल रही हैं, करना पड़ता है। देखा जाए ज्यादा स्पीड में चलना होता है। भी चेकिंग अभियान जारी है, जो भी ओवर स्पीडिंग करेंगे और जिससे एक्सीडेंट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोग इंटरसेप्टर के थ्रू स्पीड के नियंत्रण
लौटते।